वो कहते हैं ना, व्हेन वी लिसन टू म्यूजिक वी आर नॉट लिसनिंग टू द पास्ट, वी आर नॉट लिसनिंग टू द फ्यूचर ईदर, वी आर एक्चुअली लिसनिंग टू एन एक्सपेंडेड प्रेजेंट। कहने का मतलब ये है कि जब हम संगीत सुनते हैं तो किसी पास्ट या फ्यूचर को नहीं सुनते, बल्कि हम सुनते हैं प्रेजेंट को विस्तार में। म्यूजिक हर नॉन सोसाइटी का एक पार्ट है जो पास्ट, प्रेजेंट और दुनिया भर में सभी ह्यूमन कल्चर के लिए कॉमन है। चाहे हम म्यूजिक का कोई भी फॉर्म सुन रहे हों, क्लासिकल यानी कि शास्त्रीय संगीत, जैज, देशभक्ति गीत, रॉक या फिर पॉप, संगीत से ये पता चल ही जाता है कि वह अपने आप में कितना पावरफुल है। फील तो जरूर कर पाते होंगे ना आप सब भी। नमस्कार, मेरा नाम है सुचित्रा मुखर्जी और आप सुन रहे हैं मुझे मेरे अपने पॉडकास्ट पर जिसका नाम है सुचित्रास मेलोडी एंड टॉक्स। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नए एपिसोड में जिसका नाम है म्यूजिक एट इट्स बेस्ट। माना जाता है कि म्यूजिक यानी कि संगीत हमारे मस्तिष्क को एक संपूर्ण कसरत प्रदान करता है जिसे हम टोटल ब्रेन वर्कआउट कहते हैं। हमारी फीलिंग्स जिसे हमने नाम दिया है रिएक्शन और इमोशन का, ये वही दो चीज़ें हैं जो किसी भी म्यूजिक को एक सॉन्ग बनाने में हेल्प करती हैं। संगीत से गीत तक का सफर फीलिंग्स के साथ। एक अच्छे गीत के लिए ना केवल महान कॉर्ड्स यानी कि राग, मेलोडीज यानी कि धुन और लिरिक्स यानी कि बोल जरूरी है, बल्कि किसी तरह का रिएक्शन या फिर एक अलग तरह की भावना भी जरूरी है। संगीत का प्रभाव हम सबके जीवन में कुछ ऐसा है मानो संगीत में वो क्षमता हो जिसे किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल स्टेटस को गहराई से अफेक्ट कर सके और हमारे मूड को बदल सके। जब हमें संगीत की नीड होती है तो ये हमें एनर्जी और मोटिवेशन देता है। जब हम वरिड होते हैं तो म्यूजिक हमें शांत कर सकता है। जब हम अपने जीवन में थक कर हार मानने लगते हैं तो यही संगीत हमें एनकरेज करता है और हर आने वाले चैलेंजेस के लिए इंस्पायर भी करता है। है ना सारी म्यूजिक से जुड़ी बातें दिल को छू जाने वाली। आप चाहें तो मैसेज कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं और न्यू एपिसोड के अपडेट्स रिसीव करने के लिए मुझे यहाँ फॉलो करें। मूविंग ऑन टू द एपिसोड, स्टोरी टाइम में आज मैं लेकर आई हूँ एक शॉर्ट स्टोरी जिससे हम जान पाएंगे सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह। जापान के टोक्यो शहर के पास एक कस्बा अपनी खुशहाली के लिए फेमस था। एक बार एक व्यक्ति उस कस्बे की खुशहाली का कारण जानने के लिए सुबह सुबह वहां पहुंचा। कस्बे में घुसते ही उसे एक कॉफी शॉप दिखाई दी। उसने मन ही मन सोचा, मैं यहाँ बैठकर चुपचाप लोगों को देखता हूँ, और वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शॉप के अंदर लगी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। कॉफी शॉप शहर के रेस्टोरेंट की तरह ही थी, पर वहां उसे लोग का व्यवहार कुछ अजीब लगा। एक आदमी शॉप में गया और उसने दो कॉफी के पैसे देते हुए कहा, दो कप कॉफी, एक मेरे लिए और एक उस दीवार पर। व्यक्ति दीवार की तरफ देखने लगा लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया, पर फिर भी उस आदमी को कॉफी देने के बाद वेटर दीवार के पास गया और उस पर कागज का एक टुकड़ा चिपका दिया जिस पर एक कप कॉफी लिखा था। व्यक्ति समझ नहीं पाया कि आखिर माजरा क्या है। उसने सोचा, कुछ देर और बैठकर देखता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी देर बाद एक गरीब मजदूर वहां आया। उसके कपड़े फटे पुराने थे, पर फिर भी वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शॉप के अंदर घुसा और आराम से एक कुर्सी पर बैठ गया। व्यक्ति सोच रहा था कि एक मजदूर के लिए कॉफी पर इतने पैसे बर्बाद करना कोई समझदारी नहीं है। तभी वेटर मजदूर के पास ऑर्डर लेने पहुंचा। सर, आपका ऑर्डर प्लीज, वेटर बोला। दीवार से एक कप कॉफी, मजदूर ने जवाब दिया। वेटर ने मजदूर से बिना पैसे लिए एक कप कॉफी दी और दीवार पर लगी ढेर सारे कागज के टुकड़ों में से एक कप कॉफी लिखा एक टुकड़ा निकालकर डस्टबिन में फेंक दिया। व्यक्ति को अब सारी बात समझ आ गई थी। कस्बे के लोगों का जरूरतमंदों के प्रति ये रवैया देखकर वह इमोशनल हो गया। उसे लगा, सचमुच लोगों के मदद का कितना अच्छा तरीका निकाला है, जहां एक गरीब मजदूर भी बिना अपना आत्मविश्वास कम किए एक अच्छी सी कॉफी शॉप में खाना पीने का आनंद ले सकता है। अब वह कस्बे की खुशहाली का कारण जान चुका था और इन्हीं विचारों के साथ वापस अपने शहर लौट गया। काफी अच्छी कहानी रही। पता चल ही गया हमें आखिर सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस है क्या। जी हाँ, ये छोटी सी कहानी हमें ये मैसेज दे जाती है कि खुश होने या रहने के लिए किसी बड़े कारण की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी चीजें से भी खुशी मिल जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलूंगी मैं आप सभी से फिर से एक नए एपिसोड में। तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप लिसनिंग, इसी उम्मीद के साथ कि खुश और मस्त होंगे आप। मैं सुचित्रा मुखर्जी साइनिंग ऑफ।